जिला कांगड़ा में लावारिस व्यक्ति की मौत के बाद किसी के द्वारा सुध नहीं लिए जाने पर हमीरपुर के समाजसेवी शांतनु कुमार ने व्यक्ति की दाह संस्कार के बाद अस्थियों को हरिद्वार के लिए ले जाया जा रहा है। बता दें कि समाजसेवी शांतनु कुमार ने अब तक 500 से ज्यादा लावारिस अस्थियों को हरिद्वार में ले जाकर अपने खर्चे पर पिंडदान विधि विधान से करवाया जाता है, जिसके चलते समाजसेवी शांतनु कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई है। समाजसेवी शांतनु कुमार ने कहा कि कांगड़ा जिला के प्रौर में नेपाली बहादुर की मौत के बाद कोई भी नहीं था, जिस कारण पुलिस के माध्यम से संपर्क करके लावारिस बहादुर के दाह संस्कार के बाद अस्थियों को हरिद्वार में ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1992 से लावारिस अस्थियों को हरिद्वार अपने खर्चे पर ले जाकर पिंडदान करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं पर भी लावारिस सब दिखे तो तुरंत उन्हें संपर्क करें। पिछले 20 जनवरी को पंजाब केसरी में प्रमुखता से छपी थी एक न्यूज़, जिसमें लिखा गया था जिंदगी की बीमारी और ठंड से जंग से हार गया बहादुर बेचारा। जब मैं इस न्यूज़ को मैंने पढ़ा और वो न्यूज़ था कांगड़ा जिला की प्रोर से, जहां एक नेपाली बहादुर वहां पर एक ढाबा में कई वर्षों से काम कर रहा था और उसके बाद जब उसको उम्र काफ़ी हो गया तो बीमार हो गया और उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर एक रेन शटर है जहाँ पर वो बहादुर बेचारा 20-30 दिन से रह रहा था, उसको सूद लेने वाला कोई नहीं था और वो ठंड के चलते उसको वहाँ पर देहांत हो जाता है। उसके बाद जब इसके बारे में न्यूज़ वहाँ पंजाब की प्रमुखता से उठाया और मैंने उसके बारे में पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि मानवता को शर्मसार करते हुए उसमें मेन इसमें लिखा गया था कि एक जब हम पालतू जानवर भी पालते हैं उनका भी स्पेशली हम देखभाल करते हैं, लेकिन एक इंसान की सूद लेने वाला कोई नहीं था। तो मुझे मेरा दिल में बड़ी इसके बारे में बड़ी कष्ट हुआ, तो मैंने वहाँ के प्रशासन से संपर्क किया। भवारना पुलिस स्टेशन में ASI बलदेव जी जो इस केस को देख रहे थे, मैंने उनसे संपर्क किया कि आप मुझे इसमें मदद करें। उसके बाद 3 दिन के लिए उसको पालमपुर शवगृह में रखा गया आइडेंटिफाई के लिए, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं आया और वो लावारिस की तरह जलाया गया। उसके बाद ASI बलदेव जी की सहायता से उस दिवंगत आत्मा की अस्थियां जो है परमार बास के जरिए हमीरपुर में मैंने उसको रिसीव किया और मैंने उसको अपनी खर्च पे हरिद्वार गंगा जी में ब्रह्मकुंड में उसको पिंडदान के साथ विसर्जित करूँगा। और लोगों से अपील रहेगा कि ऐसा कोई भी केस हो जो लावारिस हो और लावारिस भी ना हो जो जिसका गति करने वाला कोई ना हो, वो मेरा मोबाइल नंबर 94186502 पर संपर्क करके मुझे उस अस्थिया को भेजने की कृपा करें ताकि उस दिवंगत आत्मा की गति हो सके। 1992 से मेरा यह सफ़र चालू हुआ है और मैंने इस जो लावारिस अस्थिया ले जाने की काम शुरू किया, इसका नाम रखा मिशन लावारिस। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है जो भी लोग लावारिस के तहत पाए जाते हैं, मरे जाते हैं, उनका अस्थिया जो है गंगा जी विसर्जन किया जा सके और उसके आत्मा को गति किया जा सके।